हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि व्यापार व्यवस्था को चौपट कर किसानों को पूंजीपतियों के हाथों की बनाएंगे कठपुतली। जाखड़, कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली निकाल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का जताया विरोध। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन संशोधन की मांग की। उपखंड क्षेत्र के किसानों सहित कांग्रेसियों ने शुक्रवार को किसान विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। वहीं ट्रैक्टर रैली से पूर्व महाराजा उम्मेद सिंह कृषि मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसान अपने ट्रैक्टर के साथ कृषि उपज मंडी सुमेरपुर पहुंचे, जहां किसानों ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं काले कानूनों को लेकर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा, कांग्रेस नेता सुमेर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर के माध्यम से रैली निकालकर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग की। रैली के पश्चात पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने मोदी सरकार को कोसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 कानून पारित किए हैं जो कि किसान विरोधी है। उक्त 3 कानूनों को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक किसान चैन की नींद से नहीं सोएंगे। उन्होंने कहा, इस काले कानून को लेकर 65 से 70 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मोदी सरकार कानून को रद्द नहीं करेगी, तब तक किसानों की लड़ाई आर पार जारी रहेगी। वहीं पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा, सुमेर सिंह राजपुरोहित, करण सिंह मेड़तिया, शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने भी किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम के तत्पश्चात सभी किसान रैली के रूप में ट्रैक्टर लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। वहां पर मोदी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और महामहिम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भारत सरकार द्वारा पारित किए गए 3 काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार द्वारा देश के जनमानस के विरुद्ध लागू किया गया है ये तो कानून आने वाले समय में देश की कृषि व्यापार व्यवस्था को चौपट कर किसानों को पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बना देंगे, जिसके विरोध स्वरूप आज पूरे देश के अन्नदाता, मजदूर वर्ग और मंडी व्यापारी पिछले 2 महीनों से लगातार इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, इन्होंने ये कहा, आज सुमेरपुर में बहुत बड़ा किसानों ने ट्रैक्टर लेके रैली निकाली है किसानों के पक्ष में और सरकार के खिलाफ। जो मोदी सरकार ने 3 कानून पारित किया है, जब तक वो किसान वापस, मोदी सरकार वापस नहीं लेंगे, जब तक किसान चैन से नहीं बैठेंगे। और हमारे किसान, आप देखिए, दिल्ली बॉर्डर माते सब बॉर्डर रुका हुआ, लोग बहुत ही बड़ी संख्या रहे महीने किसान वहाँ ठंड रहे महीने। और हमारे किसान तो 65 से 70 तक आदमी शहीद हो गए हैं, हम उसको हमारी तरफ से सम्मान नहीं देते हैं। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से खास रिपोर्ट।